कैटेगरी ओके ऑल्सो अंडरस्टैंडिया हम इन्हें निडेरिया क्यों बोलते हैं ओके सो वील ऑल्सो सी दैट एंड हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसे तो यू मस्ट है समवेयर सम ऑफ यू आर सीन जेलीफिश वेरी गुड दिस इज अलीफिश ओके ये जेलीफिश का टाइप है तो हम समझते कि डेडेरिया जो फाइलम है कैटेगरी है वो उसमें कौन कौन से आते हैं तो आपको जान के बहुत अच्छा लाइक like, थोड़ा सा वॉन्डर यू विल यू विल वॉन्डर दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ विच एक्सपीरियंस्ड मूविंग जिनके बॉडी में मोशन स्टार्ट हुआ दीज आर द फर्स्ट वंस ओके दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ जो पहले मूवमेंट लोकोमोशन स्टार्ट हुआ उनकी बॉडी में

ट इन देर बॉडी ओके नाउ दीज अगर हम इन्हें एक्सटेंड करके देखे मैं पहले यहां से बात करना स्टार्ट करते okay? we'll जाए तो वी कैन सी ऑल दीज राइट ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ये यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें लाइन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वी कॉल दीज टेंटिकल्स हम इन्हें टेंटिकल्स बोलते हैं जस्ट रिमेंबर द वर्ड वी कॉल दीज टेंटिकल्स इनका एक यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे एक एक करके पढ़ेंगे बट वी कॉल दम टेंटिकल्स अगर हम इन्हें थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखें सेलुलर लेवल पे अगर हम इन्हें देखना चाहें याद रखिएगा निश हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला स्टार्ट है किया हमने यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सो दीज ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वी कॉल देम टेंटिकल्स याद रखिएगा टेंटिकल्स कहते हैं हम जेलीफिश टाइप स्ट्रक्चर में ले रहे हैं या फिर किसी भी स्ट्रक्चर में ले सकते हैं टेंटिकल्स बोलेंगे ठीक है उनमें टेंटिकल्स टेंटिकल्स पाए पाए जाते में टेंटिकल ना इनका सबका अपना अपना एक यूज है जो हम अभी आगे बात करेंगे ना अगर हम इसे एक सेलुलर लेवल पे देखें इफ यू ऑब्जर्व दीज एट सेलुलर लेवल सो टेंटिकल्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को मूव करने में टेंटिकल्स हेल्प दी ऑर्गेनिज्म

क्लियर है तक बेसिक से अभी क्लियर है देन वी कैन गो हेट वन स्टेप एट अ टाइम हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे बट क्लियर विद दिस अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा है राइट यू कैन इमेजिन द पिक्चर माइंड हाउ द जेलीफिश लुक्स उसके कैसे नीचे के जो पार्ट होंगे जो आपके फाइबर्स की तरह दिखाई देगी दो बी कॉल्ड एज टेंटिकल्स परफेक्ट थैंक यू बिजेश आगे बढ़ते हैं नाउ निडेरिया लिव दे आर फाउंड इन बोथ ओके दे बिलोंग टू बोथ मरीन हैबिटेट भी होते हैं मैक्स मोस्ट ऑफ दर मरीन हैबिटेट मरीन वाटर याद रखिएगा जो ओशियन का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है सो दैट इज उसमें मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मरीन हैबिटेट है ठीक है याद रखिएगा ठीक है यहाँ पे तो दीज बिलोंग टू सेलोट्रेटा आर एक्टिक ये एक्वेटिक होते हैं पानी में ही रहते हैं मोस्टली आर इक्वेटिक और जिसमें से ज्यादा से ज्यादा लोग कहा ज्यादा से ज्यादा पाए होते हैं, हैं। मतलब जो समुद्र के अंदर, ocean में रहते आपका एनिमल इज द नेम ऑफ दिस एनिमल हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल वी वोट कॉल दम प्लांट्स याद रखेगा दिस इज एन एनिमल

इफ दे आर सिलेंडिकल अगर ये सिलेंडिकल से है ठीक है वन थिंग नाउ अनदर अभी में और बताएंगे बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको में है, आपको ज्यादा आता रहे प्राइवेट मैसेज प्लीज इट सेंड इट टू द कोस्ट याद रखिए कोहस्ट को भेजना आपको आई कॉन्ट सी यू मैसेज इन दस्ट ओके नाउ Let's go ahead. So, अगर यहाँ पे सिलेंड्रिकल दिखा तो वी विल कॉल देम वॉट अभी हम बोलेगे क्या पड़ेगा और यहाँ पर दूसरे टाइप के जो आपके शेप हाँ, ऑफ ये हो गया सिलेंड्रिकल आई विट बी राइट इट वंस सिलेंड्रिकल और इनका कैसा शेप है हु कैन गेस इट वॉट शेप इज दिस प्रदीप इज आस्किंग वट इज स्प्रे ओके प्रदीप प्रे वो होता है उनका खाना उनका फूड जो इंसेक्ट्स है जिनको वो खाना खा लेते हैं जिनको द, खाते हैं विच ऐसे समझिए जैसे हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को जो सर्व प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंडेंट कहलाते हैं हर भी वरस, तो प्लांट्स आर प्लांट्स आर प्रे टू देम तो हमारा खाना क्या होगा इंसेक्ट्स सो फॉर दीज एनिमल्स इंसेक्ट्स आर देयर प्रे जो छोटे छोटे कीड़े होंगे इंसेक्ट्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इनके लिए क्या बन जाएंगे प्रे बन जाएंगे प्रे और प्रीडेटर कहलाता है एक होता है प्रे एक होता है प्रीडेटर खाने वाला इज कॉल्ड प्रीडेटर प्रीडेटर क्या होता है जो जो उनको खा जाता है प्रे को हु ईट्स प्रे ओके उसको बोलते हैं प्रीडेटर और प्रे जो उसका भोजन है खाना है उसको बोलेंगे प्रे ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इस वेरी uh, गुड राखी सुमित दिस इज एन अम्ब्रेला शेप्ड ये एक अम्ब्रेला शेप्ड का है तो दो टाइप से होंगे याद रखिएगा नीडेरियंस पहला रखेगा अम्ब्रेला शेप में होंगे और दूसरा है वो और दे विल बी सिलिंड्रिकल शेप दो ही शेप में दे विल बी ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब इनका नाम भी समझेंगे हम ओके विल आल्सो अंडरस्टैंड देयर नेम दिस इज हाउ दे लुक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज हाउ दे लुक ओके दिस इज हाउ दे लुक मोस्टली ऐसे हैं देखिए यहाँ पे टेंटिकल्स दिख रहा है आपको यू कैन सी देंटिकल्स राइट टेंटिकल्स कैन वी सी द टेंटिकल्स हि राइट टेंटिकल्स सॉरी इट्स ए हियर टेंटिकल्स ये टेंटिकल्स है देख पा रहे हैं और ये हाइड्रा के टेंटिकल है देखिए यहाँ पे हाइड्रा है ये राइट इस तरीके से हाइड्रा आपका दिखता है इसकी सिलिंड्रिकल बॉडी दिखेगी आपको ऐसा है ना यहाँ पे सिलिंड्रिकल बॉडी दिखेगी इनमें ऐसा अम्ब्रेला शेप में दिखेगा यहाँ पे आपको अम्ब्रेला शेप में दिखेगा आपका हाइड्रा फ्रेश वाटर में रहता है एंड रेस्ट ऑफ देम लिव इन मरीन वाटर ओशियन वाटर में रहते हैं सॉल्टी वाटर में रहते हैं ठीक है थीके? क्लियर है यहां तक सभी को इज इट क्लियर फॉर एवरी वन गो हेट थैंक यू शिव ओके लेट्स गो हेट थैंक यू अश अब हम इनको और डिटेल में पढ़ते हैं देखिए आप समझिए कुछ जो आपके यहां पर निडेरियंस होंगे bjs there are some there are some hydra i have taken one example who lives in fresh water but there are some yes no, hydra is not the only one okay there are some now Yadakiga, some nidarians some nidarians some nidarians okay Yadakiga. nidarians some nidarians have fixed structure some nidarians have fixed बेस आई वुड से स्ट्रक्चर नहीं बेस बोल देते हैं फिक्स्ड बेस एट बॉटम ओके उनका मैं बॉटम इसलिए लिख दे रहा है कि बेस बॉटम उनका देखिए यहां पे देखिए उनका जो बेस है वो क्या है फिक्स है उनको बोलते हैं हम सबस्टैंटम ये नाम आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा बट अभी फिर भी अगर आप समझ सकते हो तो याद रखिएगा सबस्टैंटम और ऐसे ऐसे को क्या बोलते हैं सीएनओमेन बोलते हैं सेसिल बोलते हैं सेसिल ओके बट इट्स फाइन यू कैन सी हाउ दे लुक कैसे दिखाई देते आप देख कैसे, ये tentacles इनके. इनको हम टेंटिकल्स बोलेंगे? बोलेंगे. बोल रहे हैं याद ठीक है अभी अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑफ देयर इनका फंक्शन भी एक करके विल अंडरस्टैंड ओके नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर अब आते हैं बहुत बेसिक पे आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सो so, इनका जो जो यहां पे बेस अटैच्ड है जो बेस अटैच्ड है उसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं पॉलिप बोलते हैं वी कॉल देम पॉलिप इनको पॉलिप ग्रीक में पॉलिप का मतलब होता है अटैच्ड यहां पे मैं लिख देता हूं बेस अटैच्ड याद रखिएगा उनका बेस अटैच्ड होता है सो वी कॉल देम पॉलिप और इनका एक और तरीका है जो अम्ब्रेला शेप वाले होते हैं सॉरी शेप वाले जो सिलेंड्रिकल होंगे वी विल कॉल देम पॉलिप जो शेप वाले होंगे, जो वाले होंगे याद रखिएगा तो आपको और थोड़ा सा लिंक करने में इजी रहेगा सिलेंड्रिकल होंगे जो सिलेंड्रिकल शेप में होंगे दोज आर कॉल्ड एज पॉलिप ये हमारा इंपॉर्टेंट है पॉलिप आपको याद रखना है दैट इज देयर इन आवर सिलेबस ठीक है याद रहेगा जिनका बेस फिक्स्ड होगा कॉल दम पॉलिप ओके नाउ आगे बढ़ते हैं को क्या बोलेंगे हम पॉलिप बोलेंगे याद हम को अब हम क्या बोलेंगे पॉलिप बोलेंगे याद रखेगा ठीक है याद रहेगा सभी को सिलिंड्रिकल अब मैं यहां पर लिख देता हूं छोटी छोटे फॉर्म में सिलिंड्रिकल शेप में रहेंगे ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ होते हैं यहां पर अम्ब्रेला शेप में यू कैन सी द अम्ब्रेला हियर यहां पर ऐसा अम्ब्रेला शेप दिख रहा है ना आपको अम्ब्रेला शेप दिख रहा है राइट अम्ब्रेला शेप अम्ब्रेला आई विल राइट इट हियर अम्ब्रेला सो दीस आर टू ग्रीक में ग्रीक में दे मूव ग्रीक में दे मूव और मैक्सिमम आपको पता है जेली फिशेस जेली फिशेस आर मैक्सिमम

जेली फिश आर फाउंड मैक्सिमम इन ओशियन दे रूल ओवर दिन ओवर दिन सो देर कॉल्ड एज मेडुसा मेडुसा ग्रीक में मतलब होता है रूल ओवर और इट इज रिलेटेड टू अम्ब्रेला देखो कितने इजिली तरीके से आई है नॉट बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है

सिमिट्री की बात कर लेते हैं बॉडी सिमिट्री की भी बात कर लेते हैं तो हु विल टेल मी बॉडी हुट्री ठीक है तो आप इनको अटैच्ड बेस वाले हो गए दीज आर द अटैच्ड बेस वाले यहां पे आप देखिए अटैच्ड है और दीज विल बी द रूलिंग ओवर जो मैक्सिमम मूव करेंगे याद रखिये मूव करेंगे इसलिए ज्यादा है सो दे आर अगर आप इनको सेंटर से ओके okay, याद रखिए बॉडी सिमेट्री होती है ना बॉडी सिमेट्री हमने पढ़ा था राइट हमने वी अंडरस्टूड अगर बॉडी को एक्सिस से अगर एक इमेजिनरी एक्सिस से कट करेंगे तो अगर वहां पे दो इक्वल हाफ मिल रहा है तो विल कॉल देम सिमेट्री राइट वी कॉल देम सिमेट्री और वहां पे हमने पढ़ा था सिमेट्री सिमेट्री का जिसमें कोई नहीं होती रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ा कि अगर हम सेंटर से कट करें किसी एक इमेजिनरी एक्सिस से अगर हम सेंट्रल से कट करें ओके फ्रॉम द सेंटर याद रखिएगा फ्रॉम दी आई विल नॉट राइट यो फ्रॉम सेंटर ओके फ्रॉम दी सेंटर अगर वो कट करे इमेजनरी एक्सिस से अगर उन्हें पास करा के देखें तो अगर इफ यू गेट टू इक्वल हाफ दे आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर से आपने यहाँ पे ये यह देखिए किया और यहाँ पे ये यह देखिए सेंटर से राइट दे आर इन टू हाफ टू इक्वल टू इक्वल हाफ राइट दे आर इन टू इक्वल हाफ सो दैट इज वाई दे आर कंसिडर टू बी रेडली रेडियली सिमिट्रिकल आप जेलीफिश में भी देख लीजिए आप पॉलिप में भी देख लीजिए और आप मेडुसा में भी देख लीजिए यूल दिमेट्रिकल वेरी गुड राखी राखी सिंह बॉडीड इंटू टू हाफ बाई मोर देन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस वेरी गुड एग्जाम्पल स्टारफेस तो जेलीफिश स्टारफेसर द एक्साम्पल ऑफ रेडियली सीमेट्रिकल वेरी गुड राखी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सभी को याद रहेगा दे पॉजेस रेडियल दे आर रेडिलीमेट्रिकल बिकॉज अगर हम सेंटर से सेंटर से अगर डिवाइड तो हो जाएंगे लेट्स गो है चलिए और समझते हैं इसको ठीक है और समझते हैं नाउ बॉडी ऑफ दीज एनिमल इज रेडिली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक अब याद रखिए

and this one is the ectodermic outer layer outer so this entire is your ectodermic ectoderm the outer layer and this entire is your endoderm okay this entire is your endoderm the inner layer clear for everyone so they are diploblastic just remember they are diploblastic they are readily symmetrical they are readily symmetrical and they are also diplo जस्ट रिमेंबर दैट क्लियर चलिए लेट्स गो हेट अनादर ब्यूटिफुल पिक्चर फॉर यू ऑल आपका और क्लियर हो जाए ये देखिए अंदर से लुक यहां पर होंगे पोर्स होंगे यहां पर इनके बॉडी में साइड में पोर्स होंगे राइट यहां परिस वॉट इज दिस वॉट इज है

टिश्यू ग्रेड लेवल नॉट सेलुलर लेवल इनमें टिश्यू बन जाता है सेल और सेल अटैच करके मैनी टिश्यू बना लेंगे जबकि पॉरीफेरा में दू कुसेल्युलर ऑर्गेनिजम बट दे कु नॉट फॉर्म दिश्यूके उनके सेल इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे थे बट यो इन दे फॉर्म दिशूज ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ नाउ अगर इफ वी जूम आउट और अगर हम जूम इन करें जूम इन करें अगर हम जूम इन करें टेंटिकल्स को टेंटिकल्स को अगर हम जूम इन करें तो दे फाइन दे हैव नीडोब्लास्ट अब नीडोब्लास्ट क्या है मैं आपको समझाते हैं यहां पर यहां पर ध्यान से देखिए अगर टेंटिकल्स को जूम इन टेंटिकल्स, जूम इन देंटिकल टेंटिकल ओके तो उसको अगर हम सेल लेवल पे देखें एट एट सेल सेल, लेवल, उसके सेल्स ऐसे दिखाई पड़ेंगे ऐसे ये ऐसे दिख रहा ना ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए ये इनको बोलते साइनो नीडोसाइट्स इनको वी कॉल नीडोसाइट्स नॉट साइनो नीडोसाइट्स We call them nido और यही बनाते हैं नीडो ब्लास्ट अगर ये पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो देम -blast. अब इसका यूज ऑफ नीडोसाइट एंडो ब्लास्ट ओके याद रखेगा निडो ब्लास्ट आपको याद रखना चाहिए ओके okay? याद रखेगा टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे याद रखिएगा टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर द कैप्चरिंग द प्रे एंड न्यूडोसाइट आई विल राइट इट हियर टेंटिकल्स कल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे ओके जो उनका फूड है इंसेक्ट्स हैं जो ठीक है आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे जबकि वेअर एस वेर एस अब उसको जब वो कैप्चर कर लेते हैं बट हाउ डू दे ईट देम बेसिकली उनको कैसे वो डाइजेस्ट करेंगे कैसे खाएंगे कैसे वो अपना फूड बनाएंगे हाउ डू दे दे विल मेक देम फूड कैसे बनाएंगे फर्स्टली दे पैरालाइज बॉडी दे पैरालाइज द प्रे एज दूडोब्लास्ट ओके न्यूडोब्लास्ट और न्यूडोसाइट यू कैन से न्यूडो ब्लास्ट एंड न्यूडोसाइट एनीथिंग इज फाइन इंजेक्ट वेनम करते करते हैं, हैं, ठीक है? ते हैंज द्वाइजन बेसिकलीके प्रे याद रखिएगा टॉक्सिंग इन बॉडी ऑफ द प्रे दैट वो टॉक्सिंग होता है टॉक्सिन होता है मतलब हार्मफुल होता है तो वो क्या करता है पैरालाइज कर देता है प्रे को क्या कर देता है पैरालाइज कर देता है पैरालाइज द प्रे prey cannot move and they they basically have their food they have them as their food so this is how they they perform the digestion they perform the digestion and these are also helpful for the production uh, protection see nidoblast. blast are also also useful for प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन किस लिए जैसे कि वहां पे प्रोटेक्शन टू क्योंकि दे रिलीज वेनम रिलीज करने की वजह से क्या होता है जो उनको बाकी के जो एनिमल्स या प्लांट्स जो उनको खा सकते हैं रिलीज दिस इज हाउ दे वर्क डिड यू गेट इट समझ में आए सभी को लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वेदर वी गॉट इट नॉट सिंपल सा है 10 तक देखिए जैसे हमने पढ़ा था पॉरिफेरेंस में क्या होता है द वाटर उनमें पोर्स के थ्रू वाटर अंदर आता है सो अलोंग विद द वाटर द प्रे द इंसेक्ट्स आल्सो कम इनसाइड राइट एंड देन दे हैव देयर फूड उसके थ्रू दे हैव द फूड इनमें क्या होता है दे कैप्चर दे कैप्चर दी दे कैप्चर दी प्रे थ्रू प्रे कैप्चर दी प्रे प्रे थ्रू टेंटिकल्स टेंट टेंटिकल्स ओके दे कैप्चर द्रू टेंटिकल्स ठीक है एंड उसके बाद जो, जो उसमें से छोटे छोटे उनके सेल्स है उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जो उनके अंदर का स्ट्रक्चर है दैट रिलीजेस दिनम और यू कैन से टॉक्सिन ओके इंजेक्ट दिच पैरालाइजेज दिच पैरालाइजेज दर फूड

आप क्या बोल सकते इसको नीडो राइट right? नीडो साइट भी बोल सकते हो आप इसे नीडो नीडोसाइट दे यहां पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए जरा दिस इज आवर दे लुक इंजेक्ट टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे यहां पे देखिए ये प्रे के बॉडी में इंसेक्ट है ये कोई भी आप इंसेक्ट ले लीजिए छोटा सा इंसेक्ट है उसकी बॉडी में दे रिलीज द टॉक्सिन उसकी वजह से वो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा उसकी वजह से वो पैरालाइज होएगा एंड दे विल हैव देयर फूड राइट दे विल हैव देयर फूड एंड दिस इज हाउ दे वर्क ओके सो आई हैव आल्सो द नोट्स फ्रॉम हियर एज वेल इज दिस क्लियर फॉर आर वी क्लियर हियर सभी समझ में आ गया थैंक यू राखी परफेक्ट If there is any single doubt, even if there is one single doubt, just ask, okay? I would be more than happy to clear that for you. Chali, okay. Thank you, Ashraf. We'll go ahead. These are the examples of, we have few examples here, okay? We have few examples here. Which are those examples? Hydra, Hydra.

जेली फिश दिस इज जेली फिश विजेश नो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डन चलिए आगे बढ़ते हैं यस हाइड्रा मूव नहीं करता है चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स सी लेट्स लुक एट वन मोव पिक्चर क्वाइट क्लियर ये देख लीजिए जेलीफिश देख लीजिए आप एक बार यहाँ पे दिस इज हाउ द लुक एडेमिसा दी एनोमोन ऐसे दिखाई देते हैं दिस इज हाउ द लुक अरल रीफ दिस इज हाउ दे लुक कोरल रीफ ओके दिस इज हाउ दे लुक ओके याद रखेगा दिस इज हाउ दिज लुक ओके सो यू कैन हैव दाइक वन टाइम स्टडी फ्रॉम द टेक्स बुक ओके एंड सो वी आर डन ह्यूर विथ टू डेज टॉपिक दैट इज फाइलम निडीडिया आज मैं छोटा सा टॉपिक मैं एज आई सेड कि आई विल कंप्लीट द छोटा सा टॉपिक फ्रॉम टूमोरो वन सेकेंड विल स्टार्ट विद द प्लेटी हेमथिस